जय हिंद। आपके अपने चैनल न्यू स्टडी 24 के ब्रह्मास्त्र सीरीज में आज हम आपको डे 21 टेस्ट सीरीज का जो है आंसर की लेकर आए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए, इस टेस्ट सीरीज में जो है हिस्ट्री टॉपिक को जो है समाप्त कर दिया गया है, जहां से जो है 30 से जो है 35 क्वेश्चन जो है आते हैं। फिर भी कुछ जो है बिहार स्पेशल हिस्ट्री जो है कुछ बचा हुआ है, और अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो ये जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जो है आप देखिएगा, हिस्ट्री का जो है टेस्ट सीरीज नंबर 1 से लेकर जो है 20 डे से लेकर 20 डे तक जो है ये सारे जो है हिस्ट्री से जो है जितने भी टॉपिक है वो सारे जो है कवर किए गए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जो है आप इसे देख ले। देखिए, आज का जो है डे 21 उसका टॉपिक है यांत्रिकी, और यहाँ से जो है कम से कम जो है एक क्वेश्चन तो निश्चित ही है जो बनता है। देखिए, ऐसा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और अगर बायोलॉजी की तुलना करें तो तीनों में जो है एक विषय जो है जो कि है फिजिक्स जो है वहां से जो है पूछे गए प्रश्न की संख्या जो है कांस्टेंट रहता है लगभग। लेकिन अगर हम जब केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात करें तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो ये जो क्वेश्चन जो है वो चेंज होता रहता है। अगर जिस साल जो है केमिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है तो उस साल जो है थोड़ा बायोलॉजी में जो कम कर देता है, फिर दूसरे साल अगर जो है बायोलॉजी में अगर कम पूछेगा तो जो है निश्चित है कि केमिस्ट्री में जो है थोड़ा जो है कम कर देता है। तो आइए फिलहाल देर न करते हुए चलते हैं, डे 21 जो है यांत्रिकी टॉपिक मैकेनिक्स जो है उस पर चलते हैं, उस पर बात करते हैं कि यहाँ से कितने क्वेश्चन आता है। देखिए, यांत्रिकी से जो है लगभग एक क्वेश्चन जो है आ जाता है, लेकिन अगर बोलेगा कि यांत्रिकी जो टॉपिक है उसमें जो किस पॉइंट से जो है ज्यादा जो है क्वेश्चन आ रहा है, मतलब एक एवरेज जो है लगातार जो है क्वेश्चन आ रहा है, तो देखिए 3-4 साल से जो है मात्रक चाहे इकाई जो है उनसे जो है क्वेश्चन जो लगातार आ रहा है। दूसरा जो है मेजरमेंट, और मेजरमेंट में भी कहाँ से, तो देखिए मेजरमेंट में दो भाग है, एक मापक यंत्र और दूसरा पैमाना। ये पैमाना वाला जो भाग हुआ यहाँ पे क्या होता है, तो कोई वैल्यू दिया रहता है और उसको जो है आपको बोल देता है कि भाई इसको चेंज करो, किलोमीटर में चेंज करो, चाहे मिलीमीटर में चेंज करो, चाहे एंगस्ट्रम में चेंज करो। तो इस तरह जो है मेजरमेंट से जो है दो टाइप का क्वेश्चन रहता है। मापक यंत्र है, मतलब कोई चीज है उसको हम किस यंत्र के द्वारा मापते हैं यानी मेजरमेंट करते हैं, और दूसरा पैमाना। तो पैमाना से जो है फिलहाल जो है क्वेश्चन जो है अच्छा खासा तो नहीं आता है, लेकिन थोड़ा बहुत आता है। लेकिन जो है आपको याद रखना है यहाँ पे दो चीज पर जो है ज्यादा फोकस करना है यांत्रिकी में, आपको जो मात्रक और इकाई, इसका मात्रक क्या है और इसकी इकाई क्या है, और दूसरा जो है आपको याद करना है कि इस चीज को जो है किस यंत्र के द्वारा जो है मापा जाता है। वैसे यांत्रिकी के अंतर्गत जो है मोशन भी आ जाता है, गति भी आ जाता है, फोर्स यानी बल भी आ जाता है, और ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण भी आता है। लेकिन अगर हम उससे जो हम अगर देखें तो जो है गति के टॉपिक से जो है सिर्फ एक बार ही जो है गति से क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी कहाँ से पूछा गया है, तो वो पूछा गया फॉर्मूला से पूछा है, 45वीं बीपीएससी में वो भी जो है पूछा गया है। अगर हम फोर्स की बात करें, अगर बल की बात करें यांत्रिकी टॉपिक से, तो इस चैप्टर से जो है सिर्फ बीपीएससी 45वीं में जो है दो क्वेश्चन आया है, और वो भी जो है फॉर्मूला से ही पूछा है, जो कि फॉर्मूला डिफिनेशन से रिलेटेड जो होता है उस तरह का जो है क्वेश्चन आया हुआ है। फिलहाल जो है यहाँ से नहीं आ रहा है, न मोशन से आ रहा है, और यही हाल जो है गुरुत्वाकर्षण में भी है, वहाँ पर भी जो है 46वीं बीपीएससी में पूछा गया और उसके बाद जो वहाँ से क्वेश्चन आया है, और वहाँ पर भी जो है दो क्वेश्चन आया है जो कि जो है वेट से पूछा गया है, जी का मान से रिलेटेड जो है दिया गया है, और जी का मान से रिलेटेड मतलब क्या, बिना कैलकुलेशन वाला जो है वो वहाँ से दिया गया है। अगर आप हमसे पूछेगा कि भाई किस पॉइंट पर हम ज़्यादा वर्क करें, तो देखिए मेरा कहना है कि इस टॉपिक में जो है इन सारे जो है पॉइंट जो है वो तो देखना ही है, जो कि हम बताए अभी जितना मोशन से भी जो बताए हैं फार्मूला टाइप का, और फोर्स से भी बताए हैं फार्मूला और डिफिनीशन का, और ग्रेविटेशन से भी जो बताए हैं, और इसके अलावा लेकिन अगर पूछेगा कि खास किस पर ध्यान देना है, तो दो चीज पर आपको ध्यान देना है, यूनिट यानी इकाई या मात्रक, और दूसरा जो है मापक यंत्र पर यही जो है आपको खास देना है। तो ज्यादा ना करते हुए ये आपको हम ओवरव्यू दे दिए जो कि बहुत ही जरूरी था। चलते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आज के टेस्ट सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन था प्रकाश वर्ष का संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा दूरी से।
देखिए प्रकाश वर्ष जो है निर्वात में जो है प्रकाश के द्वारा जो है एक वर्ष में चली गई दूरी होती है। अगर आपसे पूछ देगी भाई ये प्रकाश वर्ष क्या है, तो देखिए प्रकाश वर्ष जो है निर्वात में जहां पर जो कोई वायु नहीं हो, मतलब निर्वात में जो प्रकाश के द्वारा जो एक वर्ष में जितनी दूरी जो है तय करेगी उसे जो है प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और प्रकाश वर्ष जो है अगर पूछ दे कि प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि दूरी का मात्रक है। और जैसे ही हम आपको कहते हैं कि दूरी का मात्रक है, तो आप अगर हमसे पूछ देते हैं कि फिर पारसेक किसकी इकाई है, तो भाई देखिए पारसेक भी जो है वो भी जो है दूरी की इकाई है, लेकिन क्या है तो दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई के रूप में जो है हम पारसेक का जो है यूज करते हैं। अगर फिर आप अगर पूछ दीजिएगा कि भाई खगोलीय इकाई क्या है, तो देखिए ये भी जो है दूरी का ही मात्रक है। मतलब क्या, हम देखिए दूरी का जो है तीन मात्रक देख लिए, एक तो प्रकाश वर्ष और दूसरा जो है पारसेक और तीसरा खगोलीय, यह भी जो है दूरी का ही मात्रक है। और अगर पूछिएगा कि इसका काम क्या है, तो देखिए इसके द्वारा जो पृथ्वी और सूर्य की जो बीच की जो दूरी होती है जो कि बहुत ही दूर होती है उसे जो है खगोलीय दूरी कहा जाता है। डायरेक्ट बोले कि प्रकाश वर्ष से किसका संबंध है, तो दूरी का संबंध है। लेकिन अगर पूछ दे पारसेक का यूज कब किया जाता है, तो देखिए दूरी मापने के लिए, लेकिन यह जो है सबसे बड़ी इकाई है। और अगर पूछ दे कि खगोलीय इकाई का कब यूज किया जाता है, तो यह भी दूरी का ही मात्रक है, लेकिन यह जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो है दूरी को जो है इससे मापा जाता है। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है जो कि क्वेश्चन जो कि वैल्यू जो है वो पूछ देते हैं, जो कि चेंज कर देते हैं कभी कभी। तो देखिए अगर आपसे पूछे कि वन प्रकाश वर्ष बराबर क्या है, तो आपको याद रखना है 9.46 × 10^15 मीटर होता है। वही अगर पूछ दे मीटर में एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो आपको याद रखना है 3.084 × 10^6 मीटर। अगर पूछ दे कि यही वन पारसेक जो है अगर प्रकाश वर्ष में बात करें वैल्यू तो क्या होगा, तो इसको याद रखना है आपको 3.26 प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। अगर पूछ ले वन खगोलीय इकाई क्या है, तो 1.495 × 10^11 मीटर में पूछा है। वहीं अगर पूछ ले वन मील बराबर कितना होता है, तो आपको यह भी याद रखना है 1.60934 जो है किलोमीटर होगा। आइए अब दूसरा क्वेश्चन है, ऑडियोमीटर जो है क्या नापता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता। देखिए ध्वनि की तीव्रता जो है एक भौतिक राशि है। पूछ दे कि ध्वनि की तीव्रता क्या है, तो आपको बताना है ध्वनि की तीव्रता जो एक भौतिक राशि है, जिसको जो हम अगले जो है कल जो है ध्वनि का चैप्टर आने वाला है इसमें जो है हम बताएंगे और अच्छी तरह से। तो देखिए ध्वनि की तीव्रता जो है एक भौतिक राशि है जिसे जो है शुद्धता से नापा जा सकता है। अगर पूछ दे कि ध्वनि का ऐसा मात्रक क्या है, तो आपको याद रखना है अगर ऑप्शन में रहेगा माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर, तो आपको ये भी टिक करना है। इसके अलावा अगर जो आपको बेल दिया रहेगा, तो वो भी बेल भी आपको टिक करना है, और डेसीबल रहेगा तो डेसीबल भी आपको टिक करना। अब पूछेगा कि भाई बेल क्या है, तो देखिए डेसीबल जो है जो कि जो है ध्वनि का जो मात्रक जो है डेसीबल, उसी का जो है दसवां भाग जो है डेसीबल है। किसका, तो बेल का जो है दसवां भाग जो है डेसीबल होता है। और इसी जो है ध्वनि की तीव्रता के कारण ही जो है हमें तीव्र एवं मंद ध्वनि जो है सुनाई देती है। अगर पूछ दे, अगर फार्मूला की दृष्टि से पूछे, तो देखिए ध्वनि जो है आयाम, आवृत्ति और माध्यम के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी प्रोपोर्शनल होता है। वहीं अगर पूछ दे कि दूरी का क्या होता है, तो दूरी का जो है ये जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर पूछ दे यह ध्वनि किन किन चीजों पर निर्भर करती है, तो देखिए यह जो है ध्वनि जो है स्रोत के शक्ति पर निर्भर करती है, दूसरा छत चाहे फर्श और दीवारों पर होने वाले परिवर्तन पर डिपेंड करती है। जैसे अगर आप ध्वनि दे रहे हैं और अगर इसके बीच में कोई छत है, तो क्या होगा, उसके बाद जो है ध्वनि की जो है तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तीसरा जो स्रोत, मतलब जहां से ध्वनि आ रही है और जो सुनने वाला है, उसके बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। अगर ज्यादा दूरी है तो उसको जो है कम सुनाई देगा श्रोता को। आइए अब तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा देखिए एमीटर से जो है विद्युत धारा को जो है मापा जाता है। आइए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन है कि विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। देखिए इकाई से पूछा है, आपको बताए हैं इकाई से याद रखना है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। देखिए वोल्ट का जो परिभाषा होता है कुछ इस तरह का होता है कि 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को जो अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो 1 जूल जो कार्य करना पड़ेगा, उस बिंदु को जो है विद्युत विभव या 1 वोल्ट कहा जाता है। अगर पूछ दे कि आखिर वोल्ट क्या है, तो आपको बता देना है कि 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज यानी 1 कूलम जो धनात्मक आवेश को जो है अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के
बिंदु तक लाने में जो एक जूल अगर कार्य करना पड़ता है तो उस बिंदु को जो है विद्युत विभव यानी एक वोल्ट कहलाता है। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन है, कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है तो उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो यह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। मतलब बोल रहा है कि यह कथन है, मतलब कौन सा नियम का जो है यह कथन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यह जो है कथन जो है न्यूटन के जो है गति का जो है प्रथम नियम का है। अगर पूछ दे न्यूटन के गति का प्रथम नियम से रिलेटेड, तो देखिए न्यूटन का जो प्रथम नियम जो है इसको ही जो है जड़त्व का नियम कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि जड़त्व का नियम जो है किस नियम को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है न्यूटन को जो है प्रथम नियम को जो जड़त्व का नियम कहा जाता है। और यही जो जड़त्व का नियम है यह जो वस्तु के जो प्रारंभिक अवस्था में जो है परिवर्तन होता है इस नियम में, वैसे जो है न्यूटन के जो है तीन नियम है। आइए अब छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, फोन हो जाएगा। देखिए फोन जो है वह जो है ध्वनि की है इकाई। अब इसी में देख लेते हैं BTU, तो देखिए BTU जो है ऊष्मा की जो परंपरागत इकाई है। आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई BTU क्या है, तो देखिए BTU जो है ये जो ऊष्मा की जो है परंपरागत इकाई है। अगर पूछ दे कि 1 BTU का वैल्यू कितना होता है, तो आपको याद रखना है 152 कैलोरी। आइए अब सातवां क्वेश्चन है, दाब की इकाई क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अब आठवां क्वेश्चन है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, हाइग्रोमीटर के द्वारा जो आर्द्रता जो है नापी जाती है। नौवां क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, वाट हो जाएगा। अब दसवां क्वेश्चन है, आवृत्ति को नापा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हर्ट्ज में। अगर आप पूछेगा कि आवृत्ति क्या होता है, तो देखिए कोई भी कण जो है 1 सेकेंड में जितना कंपन करता है वह जो है आवृत्ति कहलाता है। अभी 11वां क्वेश्चन है, एंगस्ट्रम इकाई है किसकी इकाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य की जो है ये इकाई है। अगर पूछते कि तरंग दैर्ध्य को जो किससे मापा जाता है, तो आपको आंसर देना है एंगस्ट्रम के द्वारा ही जो मापा जाता है। तो इसमें जो है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कभी कभी पूछ देता है, जो कि प्रकाश चैप्टर से, कि बैगनी रंग का जो है तरंग दैर्ध्य कम होता है या ज्यादा होता है, तो आपको आंसर देना है बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है और लाल रंग का जो है तरंग दैर्ध्य जो है ज्यादा होता है। अगर पूछ दे कि बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, तो आपको आंसर याद रखना है 3969 एंगस्ट्रम, और अगर पूछ दे कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, तो 6563 एंगस्ट्रम। अब देखिए 12वां क्वेश्चन है, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेविमीटर। देखिए ग्रेविमीटर जो है पदार्थों के जो है विशिष्ट गुरुत्व को जो है मापता है। 13 नंबर का क्वेश्चन, आर्द्रता किस उपकरण से जो है नापी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, हाइग्रोमीटर से जो है आर्द्रता जो है नापी जाती है। 14वां क्वेश्चन है, जो कि दूरी और टाइम से रिलेटेड है, कि सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 8.5 मिनट। ये जो ऑप्शन के अनुसार होगा, लेकिन बोलेगा अगर रियल कितना लगता है, तो आपको याद रखना 8 मिनट 20 सेकेंड जो है इसको जो धरती पर पहुंचने में जो है लगता है। अब देखिए 15वां क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन बराबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 1/1000 मिलीमीटर। अब देखिए 16वां नंबर का क्वेश्चन है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 10^-12 ग्राम के। और इससे रिलेटेड जो है हम वीडियो जो है बहुत पहले जो है इस चैनल के जो है प्लेलिस्ट में जो है बना दिए हैं, आप जाके फिजिक्स वाला जो है आप उसमें जो है प्लेलिस्ट में खोजिएगा, सारा इससे जो है रिलेटेड, यूनिट से रिलेटेड और ये मेजरमेंट से रिलेटेड जो है सारे जो है वहाँ पर हम डिस्कस कर दिए हुए हैं, आप वहाँ पर जो है जाकर एक बार देख लीजिएगा, उसको जो है विस्तार से जो है हम उसको वहाँ पर बताए हुए हैं। 17वां क्वेश्चन है, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 28 किलोमीटर। वैसे जो है ये जो है पृथ्वी जो है 27.9 किलोमीटर जो है तय करती है, लेकिन इसे जो लगभग में जो है आप 28 किलोमीटर भी जो है कह सकते हैं। अब 18वां क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, देखिए ये वैल्यू से क्वेश्चन पूछा गया और हम बताए हैं कि वैल्यू से क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 किलोमीटर = 1000 मीटर। अब 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राशि जो है सदिश नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, आयतन जो है ये जो है सदिश राशि नहीं है। देखिए
जिसमें जो केवल परिमाण होता है उसे जो है अदिश राशि कहते हैं। और यहाँ पे वही पूछा गया है कि इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है, मतलब क्या अदिश है, और इस अदिश के अंतर्गत जो है वॉल्यूम आ जाता है, मास आ जाता है यानी द्रव्यमान आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है, स्पीड आ जाता है, डेंसिटी आ जाता है और टाइम आ जाता है। अगर पूछ देता कि सदिश, तो देखिए सदिश में जो है परिमाण यानी मैग्नीट्यूड तथा डायरेक्शन यानी दिशा जो है दोनों होती है। अब 20वां क्वेश्चन है दाब की इकाई क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। देखिए ये जो है विमा से जो है ये पूछ दिया है, तो आपको विमा भी जो है देखना है, जैसे बल का विमा क्या होता है। अब 21वां क्वेश्चन है हर्टज में क्या नापा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा आवृत्ति को जो है हर्टज में जो है नापा जाता है। अब 22वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा विकृति। देखिए किसी भी वस्तु को जो है हम मेजर करने के लिए जो मानक लेते हैं और उसका जो है एक नाम दे देते हैं, उसे ही जो है मात्रक जो है कहा जाता है। और यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा गया किस राशि का जो है मात्रक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विकृति का जो है कोई मात्रक नहीं है, यानी उसे मापने के लिए जो कोई मानक जो है नहीं है। अब देखिए 23वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जो है अदिश राशि है, तो अभी हम बताए थे कि जिसमें जो केवल मैग्नीट्यूड होगा उसे जो हम अदिश राशि कहते हैं, तो आप जो चूज करिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दाब जो है यह जो है एक अदिश राशि है। 24वां क्वेश्चन दाब का मात्रक क्या है, तो दाब का मात्रक जो है पास्कल है, आंसर डी होगा। अब 25 नंबर का क्वेश्चन है पार्सेक जो है किसका मात्रक है, तो देखिए पार्सेक जो है दूरी का मात्रक है, और हम फर्स्ट में ही बताए थे कि पार्सेक जो है जब हम 12 यूनिट लेते हैं दूरी को मेजरमेंट करने के लिए तब जो है पार्सेक का यूज किया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 का ए हो जाएगा। अब देखिए अब 26 का क्वेश्चन है चालक को वैद्युत प्रतिरोधक की इकाई है, मतलब चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा ओम हो जाएगा। अब 27वां क्वेश्चन है निम्नलिखित सूची को जो है 1 से जो है 2 को मिलाइए, तो इसका आंसर देखिए त्वरण जो है इसका आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बल है बल का आंसर हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा, बल का मात्रक क्या होता है तो न्यूटन होता है, और वहीं सी जो है कृत कार्य, इसका जो मतलब कार्य का ऐसा मात्रक पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा, और वहीं अगर पूछेगा आवेग तो इसका आंसर क्या हो जाएगा न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए 28वां क्वेश्चन है कि बल का मात्रक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा, अभी हम तुरंत देखें मिलान वाला में। अब देखिए 29वां क्वेश्चन है फिर है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलेट कीजिए, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देखिए इसका जो है उच्च वेग, इसका जो है हो जाएगा माइक हो जाएगा, उच्च वेग का जो है माइक हो जाएगा। वहीं अगर पूछेगा कि तरंग दैर्ध्य, तो तरंग दैर्ध्य का इकाई क्या हो किसे मापा जाता है, तो एंगस्ट्रॉम से मापा जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य का 2 नंबर हो जाएगा। आप देखिए दाब, तो दाब का क्या हो जाएगा पास्कल हो जाएगा, और देखिए ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है तो जूल होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा। इसमें जो है सामने सामने जो है आंसर ही दे दिया है। देखिए 30वां क्वेश्चन है तेल का 1 बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है, तो इसको आपको याद रख लेना है कि यह जो है 159 लीटर होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अब 31वां क्वेश्चन है पायरोमीटर प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, उच्च तापमान जो है नापने के लिए जो है पायरोमीटर का यूज किया जाता है। अब 32वां क्वेश्चन है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, गैसों का जो है दाब जो है मैनोमीटर के द्वारा जो है नापा जाता है। देखिए याद करने वाला ये सब फैक्ट है। अब 33वां क्वेश्चन है पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा बार हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश यानी वेक्टर नहीं है, तो हम बता दिए थे वेक्टर किसे कहते हैं यानी सदिश किसे कहते हैं और अदिश किसे कहते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा आयतन हो जाएगा। अब 35वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा संवेग जो है एक जो है सदिश राशि है। अब 36वां क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का जो है प्रतिपादन किया है। 37वां नंबर क्वेश्चन जो कि गुरुत्वाकर्षण से है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाता है शून्य है। अब 38वां क्वेश्चन है यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता,
तो इसका आंसर हो जाएगा सी होता, मतलब अब जितना है उसका जो है चौथा भाग जो है होता। अब 39वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है कृत्रिम उपग्रह, इसलिए पृथ्वी के नीचे नहीं गिरता है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण। अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, उसकी गति के लिए जो है पृथ्वी का आकर्षण जो है उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, इसलिए जो है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा जो कृत्रिम उपग्रह है वह जो है पृथ्वी पर जो है नहीं गिरता है। अब 40वां क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन है, बल जो है गुणनफल है, ऑप्शन दिया हुआ है द्रव्यमान और वेग का, दूसरा है द्रव्यमान और त्वरण का, और तीसरा भार और वेग का, और डी जो है भार और त्वरण का है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, द्रव्यमान और त्वरण का जो है बल जो है गुणनफल होता है, एफ बराबर जो है एम ए होता है, यानी एम से द्रव्यमान और ए से जो है त्वरण एक्सीलरेशन। अब 42वां क्वेश्चन है जो कि मोशन से क्वेश्चन पूछा गया है कि त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र क्या क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है वी माइनस यू अपॉन टी होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब 43वां क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार बोल रहा है कि क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर जो है सर्वाधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40वां नंबर का क्वेश्चन है कि भारहीनता होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति जो है भारहीनता होती है, यानी भार जो है उसमें नहीं होता है। अब 45वां नंबर का क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा, तो कब मालूम पड़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से जो है ऊपर की ओर जा रही हो तब जो है उसे अपना भार जो है मालूम पड़ेगा। जैसे आप झूले पर बैठते हैं तो क्या होता है, जब झूला जो है ऊपर की ओर जाने लगता है तो आपको जो है लगता है कि बहुत वेट हो गया है, ठीक उसी प्रकार। अब 46वां क्वेश्चन है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी जो है क्या होता है, तो पानी की सतह से जो है ऊपर भारी हो गई है, मतलब कि जब तक पानी के अंदर में रहता है खींचते हैं तो बहुत आसानी से जो खींचाता रहता है, लेकिन जैसे ही वह पानी से ऊपर आता है तो उसमें क्या आ जाता है, वेट आ जाता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड जो है हम वीडियो जो है विस्तारपूर्वक जो है हम इस चैनल पर उपलब्ध करा दिए हैं, जो कि फिजिक्स वाले प्ले लिस्ट में होगा, आप फिजिक्स वाले प्ले लिस्ट में जो है जाकर जो है आप जो है ज़रूर उसे जो है देख लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, गुड नाइट।